जलगांव में एक छात्रावास में महिलाओं को अपने कपड़े उतारने और नृत्य करने के लिए मजबूर करने जैसी कोई बात नहीं है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि विभिन्न विभागों की 6 वरिष्ठ महिला अधिकारियों ने पूछताछ में यह खुलासा किया है। आरोप लगाया गया कि जलगांव में अशदीप गवर्नमेंट हॉस्टल में महिलाओं को नग्न किया गया और उन्हें नचाया गया। इस पर विधायिका में भी चर्चा हुई। देशमुख ने कहा कि न केवल पुलिस बल की विभिन्न विभागों की 6 वरिष्ठ महिला अधिकारी मामले की जांच कर रही है, इसमें ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, उन्होंने रिपोर्ट की है। देशमुख ने कहा कि महिला अधिकारियों ने छात्रावास का दौरा किया और सारा काम देखा, महिलाओं से चर्चा की, यहाँ 41 लोगों की जानकारी जुटाई। तदनुसार 6 महिला अधिकारियों की एक समिति ने रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि शिकायत में कोई तथ्य नहीं है। महिलाओं ने 20 फरवरी को एक मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया था। गरबा, कविता, वाचन, गायन का कार्यक्रम था। गरबा नृत्य करते समय एक महिला को गुस्सा आने के कारण पोशाक को हटा दिया गया। इस जगह पर केवल महिलाएं थी। जैसा कि यह एक महिला छात्रावास है, कोई भी पुलिसकर्मी अंदर नहीं जा सकता है। रजिस्टर में किसी भी अधिकारी के प्रवेश का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए कोई तथ्य नहीं है कि वीडियो इस तरह से बनाया गया था। नग्न होने के लिए बनाया गया था और पुलिस ने वीडियो को बाहर निकाल लिया। शिकायतकर्ता महिला रत्नमाला सोनार को अपने पागलपन के बारे में कोई शिकायतें मिली है, जिनमें से कुछ उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई है। कल के एक न्यूज़पेपर में एक महिला वसी गृह में पुलिसों ने महिलाओं के कपड़े काढ़ून उनका डांस करने लगाया, इस प्रकार की खबर एक पेपर में आई थी। इस घटना की चौकसी करने के लिए 6 सीनियर अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट की, मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 6 महिला अधिकारी, इनकी एक समिति का गठन किया गया था। ये 6 महिला अधिकारी का जो ये है, उनका रिपोर्ट अभी जो सामने जो आया है, जो रिपोर्ट लिया है उसमें बताया कि इस प्रकार की घटना वहाँ पर घटी नहीं। वहाँ पे 20 फरवरी को वहाँ के जो है महिला, उन्होंने एक मनोरंजन का कार्यक्रम वहाँ पे रखा था और उस मनोरंजन के कार्यक्रम में गाना गाना, कविता बोलना या गरबा डांस करना या फिल्म गाने के में डांस करना, इस प्रकार का उनका मनोरंजन प्रोग्राम चालू था। वहाँ पे गरबा डांस करते करके एक महिला उसको तकलीफ हो रही थी, करके उसने जो गरबा के लिए जो गाउन जो अपना ब्लाउज पहनते बड़ा उसको शायद निकाला होगा, लेकिन वहाँ पे इस प्रकार की कोई घटना घटी नहीं है। सिर्फ कल्चरल कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम का इनमेंट्स का वहाँ पे चालू था। इस प्रकार की जो झूठी तकरार इस घटना की, वहाँ एक रत्नमाला सोनार करके एक महिला उसने दी थी, उसके बारे में भी जानकारी आगे आई है। अरे ये रत्नमाला सोनार जो है, इसके जो रिलेटिव है, इन्होंने भी कई बार इसके बारे में पुलिस में कंप्लेंट की है कि ये थोड़ी मेंटली स्टेबल नहीं है। वहाँ के भी इनमेट ने बताया ये हमको मारहाण करती है, गालियाँ देती है, मतलब जो कंप्लेंट थी उसके बारे में मेंटल उसका बैलेंस बराबर नहीं था, इस प्रकार की भी बात जांच की रिपोर्ट में सामने आई है। तो इससे मालूम पड़ता है कि कल की जो जलगांव की जो घटना जो घटी है, जो मीडिया के द्वारा या प्रेस मीडिया के द्वारा जो सामने आई है, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है। उस्मानाबाद की एक घटना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसे, BC News नागपुर।